मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। ओ जी आप बात को समझने की कोशिश करो जी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस कार में रविंदर नाम का कोई शख्स नहीं रहता। एक ओ जी बात तो सुनो। दो नहीं जी नहीं, देखो तीन। लगता है अब मुझे इसको डोली माननी पड़ेगी। रुक जाओ आंटी। मैं आ गया। तू कौन? मैं रविंदर सिंह। कितना छोटा जा रविंदर जी, और आपू ना नहीं कुछ चुनौती देता है। सरकार ये बस देखने में छोटा है, इसके कारनामे ना बहुत बड़े बड़े हैं। इस टिंगू ने ना एक नहीं दो दो बार आतंकवादियों को धूल चटाई है। मतलब बराबर का उत्मन। अब तो बहुत मजा आएगा। तालिया जी सरकार। उतारे इस अच्छे को। अच्छा अच्छे तो मेरे पास बहुत है, कुछ और उठा लूं? मैंने बोला अच्छे को। अच्छा हाँ आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। ये छोटे से बच्चे से आपकी क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी हमने नहीं इतने ती है, हम तो बस दुश्मनी निभा रहे हैं। नहीं नहीं आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बेचारा क्या किसी से कोई दुश्मनी लेगा, लेकिन फिर भी अगर इससे कोई भी गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। और इसको इतनी गलती का हलजाना बनना पड़ेगा। जी सरकार। कितना अलदाना होता है इतनी दलती का? पूरे 50,000 नगद सरकार। सुन लिया, पूरे 50,000 नगद। सोच लो कि तुम्हें क्या चलना है। मैं अभी आती हूँ। ये लीजिए। अब उसे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। सुन, इस बार तो इस अच्छे तो थोल दिया हमने, लेकिन अगली बार तूने अंगा किया ना तो मैं तुझे डोली मार दूंगी। चलो दलती, इतनी हिम्मत से दातू लानी दे खिलाफ गाँव वालों तो भलता है, मैं उत्तो डोली मार दूंगी। ओ तुक तलो। ओ मेरा मतलब है चुप करो।
हे वाहेगुरु, इनको जल्दी से समझाओ कुछ, वरना ऐसा ना रविंदर के पहले इनका ही नंबर लग जाए। ओए लविंदल नहीं, लविंदल छिंग बोल, लविंदल छिंग। हाँ हाँ, तुम्हारा लविंदर छिंग। ओ तू इतना मत तो, इतनी पलेतान मत हो तू, हाँ सब ठीक हो जाएगा। तू भी थूत दाई थी, मैं भी थूत दाऊंगा। तू तो बहुत बड़ा तलाताल है भाई, बहुत बढ़िया नतल निकालता है तू मेली। हेम कुछ हेम। हम तलातालों की बहुत इज्जत करते हैं। आज से तू जमीन में नहीं, तुलसी पे बैठे था। तुलसी? ओजी, ओजी मैं समझ गया। आप ना कुर्सी कह रहे हैं, कुर्सी। अब तमदा, तुलसी। समझ गया जी, बिल्कुल समझ गया। और एक बात बोलूं, वो ये जमीन पे तो ना आम लोग बैठते हैं, और ये कुर्सी तो ना बस कलाकार लोगों के लिए बनी है। हाँ। ए, बैठ, बैठ इधर। तो ये तो बहुत गर्म हो गया। और जी, और डाकू रानी जी, आपको ना कोई गलत फहमी हो रही है, वो मैं उतना बड़ा भी कलाकार नहीं हूं। और जितनी इज्जत ना आप मुझे दे रही है, वो मैं जी जमीन पे ठीक हूं। ए, बोला ना बैटर है। ओ जी, भेजा फ्राई होता है, अंडा फ्राई होता है। ओ जी, आप तो मेरी तशरीफ फ्राई कर रहे हैं। लीतोलानी, तुम्हें भी मौता मिलेगा, चिंता मत करो। पहले इसको फ्लाई हो जाने दो, फिर तुम्हें भी फ्लाई तलेंगे। अलाम थे। लेकिन रविंद्र पाजी, आप मुझे फोन तो करते। रविंद्र पाजी, आज तक कैसे नहीं हुआ जैसे आज हुआ है? दुश्मन रविंद्र भवन आया और जीत कर चला गया। अब क्या करें रविंद्र, तू ही बता। डाकू के अड्डे में जाके हमला करेंगे। और क्या हमला? नहीं नहीं नहीं। लेकिन आपने ना मुझे कहा था। मैंने कब कहा था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ, अब तुम लोग जाओ, हम लोग बाद में बैठकर डिस्कस करेंगे। बाद में? रविंदर बाजी, बाद में करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हमें अभी उन डाकुओं पे हमला करना पड़ेगा। बाजी खली सही कह रहा है, अब नहीं तो कब? तत तत बताओ, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? और ये सारा किया तरह ना इसका है, ये जो प्रीत है ना, हाँ, और ये हर रोज ना कोई प्लान बनाती है जी। हाँ, और आज भी ना इसने एक प्लान बनाया और झूठ बोल के ना मुझे यहाँ पर लेके आ गई। ओ नहीं जी, ये ना झूठ बोल रहे हैं, ये ना डाकुओं की गैंग में ना शामिल होना चाहते थे जी, और है ना डाकुओं के डायलॉग बोल बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया है।
तो तू दांतों के डायलॉग बोलता है? चलो सुना सुना दांतों का डायलॉग सुना। ओ जी डायलॉग तो क्या, ओ जो मेरी हालत है ना, इस वक्त तो ना मैं फिल्मों का नाम भी नहीं ले सकता जी। हाँ तो तू नहीं सुनाएगा? दलमी वाला डीप फ्लाई ओ जी सुनाता हूँ। सुनो चलो। अरे ओ तंबा कितने आदमी थे रे। वो दो और तुम चार, ये तो बहुत नाइंसाफी है। बहुत गर्म है जी, बहुत गर्म है। सजा मिलेगी, सबको सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तोल लो इन्हें। चल बे, उठ जा। अरे तू तो बहुत बड़ा तलाताल निकला। अब तो ना, अब मैं तुझे अपने दांत भी थामिल तलूंगी और तुझे बहुत खतरनाक दांतों बनाऊंगी। ओ मेहरबानी जी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी। दिल खुश हो गया। और चलो जी, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। ए तबलदार, अब ये तय नहीं दायता, अब तुम हमारे दांत में थामिल हो गए हो। तूने अदल देती ना तो तुझे भी ये दलम तुलसी में बता देंगे और टेम्परेचर बढ़ा देंगे। बैठेगी? नहीं जी, मैं ना अकेली चली जाती हूँ। जाऊं जी? जा। तू अब हमारे गैंग का मेंबर है, समझा? अब तू कहीं नहीं जा सकता। हाय, पहले अंदर की राम कहानी तो सुन लूं, वरना अंदर जाते ही सिमरन 10 सवाल करेगी। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि जब से ये डाकू आए ना पिंड में, रविंदर बहुत ही डरा हुआ है। इतना परेशान तो मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा। पुत्र, तू ना घबरा मत। मुझे पता है कि आजकल माहौल बहुत खराब है, बस इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम ना कुछ दिनों के लिए धर्मपुरा से दूर चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे रोज कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है। क्या करूँ, चंदन मासी को ना तो अपने परेशानी की वजह बता सकती हूँ और बिना मैजिक मोबाइल के डाकुओं का मुकाबला कर सकती हूँ। हाय, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, हाय बल्ले बल्ले बल्ले, हाय रब्बा, ये डाकू रानी तो माता रानी बन के आई है मेरे जीवन में। हाय हे माता रानी, कर दे बेड़ा पार। क्यों ना इस डाकू रानी से दो चार कांड और करा दूं, हैं? फिर शिमला मिर्ची वापस कभी लौट के नहीं आ पाएगी और मैं बन जाऊंगी रविंदर भवन की मालकिन। हाय हाय हाय, एक काम करती हूँ, ये बात ना रंजीत जी को जाके बताती हूँ। हाँ, 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 ओ हाँ जी, अब ना तुमको डाकू वाकू बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो रविंदर भवन के मालिक बनने वाले हो, हैं? वो कमाल कर रही है, वो मैं इतनी मुश्किल से डाकू बनाऊं और तू मुझे मालिक बनाना चाहती है। अजी मैंनू एक बात बताओ, डाकू बड़े होते हैं या मालिक? डाकू क्या? हाँ,
ओए डाकू ही तो मालिक को लूटता है, पागल कहीं की। लेकिन चोर कहलाते वो, और उनकी कोई ना इज्जत भी नहीं करता है। हाँ कौन इज्जत नहीं चलता है, दातुओं को कौन इज्जत नहीं देता। दातुओं की सब इज्जत चलते हैं, सब दलते हैं उनसे, जैसे तू दल रही है। समझी क्या बोला इसने तेरे तान में? अरे मैं आपके तान में बताऊं? ओ जी मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपके कान में बताऊं। बोल। ठीक है आता हूं। आतू लानी उस चिमलन को भागने नहीं दे दी के पास तो बहुत माल है ना। तू कौन? डाकू रंजीत सिंह। तुझे मैंने दातू इसलिए बनाया है ताकि तू मुझे उत्पूले दांवती थबल देता ले। समझा? समझ गया। ओ, समझ गया। अबे तामताल, ये प्लीतो तो दलम तुलती पल बेटा और दलमी बला, समझा? नहीं जी, क्यों नहीं दी? अभी तो बोल नहीं थी तू दातू होते तो ही नहीं बोलता। अब दल लदला है ना? रविंदर पुत्र, मैं सुबह से देख रही हूँ कि तू बहुत परेशान है, और ये ढूंढ क्या रहा है? मासी मैं अपना मैजिक मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। मैजिक मोबाइल? हे वाहेगुरु, ये मैंने क्या बोल दिया? ये मैजिक मोबाइल क्या है? वो मासी, हाँ मेरा खिलौना, मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। याद करी मासी, मैंने आपको बताया था मासी। रविंदर पुत्र, वैसे इस मोबाइल में ऐसा क्या है कि तू एक पल के लिए भी इसको खुद से अलग नहीं करता? ये मोबाइल मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त ने दिया था, इसलिए ये मेरे लिए बहुत खास है। कौन से फ्रेंड ने? हमने तो उसे कभी नहीं देखा। अब वो बहुत दूर रहता है, चांद सितारों से भी दूर, जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। हाँ हाँ याद आया, तो तू उसके लिए इतना परेशान हो रहा है? हाँ मासी, क्या करूं, मेरे दोस्त की निशानी है ना। पर तूने रखा कहाँ पे था, वहां देखा है? मासी पता नहीं मैंने कहाँ रखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है मासी। पुत्र तो उदास क्यों रहा है, तेरी मासी है ना, चल दोनों मिलके ढूंढते हैं। ठीक है मासी, चल। आपको क्या हुआ मासी? कुछ नहीं पुत्र, तेरे रंजीत चाचे और प्रीतु चाचे के बारे में सोच रही हूँ, बड़ी फिक्र हो रही है उनकी।
अगर मेरे पास मैजिक मोबाइल होता तो सब ठीक हो जाता। अगर अगर मैंने कुछ नहीं किया तो रावी सेना का विश्वास मुझ पर से उठ जाएगा और मासी भी ये पिंड छोड़कर चली जाएंगी। आज हमने दांव वालों के बहुत माल कमा लिया। ये सब ना उस रविंदर भवन के 50,000 की वसूली का कमाल है जी। जहरीली नागिन जी, अजी पिंड वालों को समझ आ गया, जब आपके सामने रविंदर भवन वालों की नहीं चली तो वो क्या चीज है। तो सही तहला है तत्त। तुम दोनों माल लेता लद्दे पल दाओ दाओ। हम लोग दला लविंदर भवन तक तत्तल तातल आते हैं। चलो थोड़ा स्माइल, अभी और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती, थोड़ा